नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इसमें हम लोग मैथ के चार क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम या रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, 20 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 9 मीटर सड़क 18 दिन में खोद देते हैं, तथा 16 लड़के 10 मीटर सड़क 25 दिन में कितने घंटे प्रतिदिन काम करके खोदेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, m1 d1 h1 अपॉन w1 इजकल टू m2 d2 h2 अपॉन d w2। तो इसमें m1 जो हो जाएगा लड़कों की संख्या हो जाएगी, और जो d1 हो जाएगा वो जो कितने मीटर की सड़क खोदते हैं, तो सॉरी वो दिनों की संख्या हो जाएगी 18 दिन, और जो h1 हो जाएगा वो घंटों की संख्या हो जाएगी, और w1 जो कार्य होगा वो कार्य कितना किएगा, मतलब 9 मीटर, 9 मीटर सड़क खोद रहे हैं तो ये कार्य हो जाएगा w1। और अब हम m2 की बात कर लेते, तो m2 हो जाएगा 16, d2 हो जाएगा 25, h2 हम लोग मान लेंगे x, मतलब कितने घंटे प्रतिदिन काम करके खोदेंगे, और W2 हमारा दिया हुआ है 10 मीटर। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे 20 × 18 × 8 / 9 इक्वल टू 16 × 25 × x / 10। तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 18 × 8 × 10 / 9 × 16 × 25, ये हम लोग काट के निकालेंगे तो 200/15 25 आ जाएगा, तो 25 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 घंटे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुर्सी का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 30% की वृद्धि हो गई थी, तब दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, a + b + a × b / 100, जहाँ पे हम लोग ए को -25%, क्योंकि इसमें कम हो रही है मात्रा, -25% कम हो रही, तो इसमें माइनस लगा देंगे, और बी का मान मानेंगे 30%, इसमें वृद्धि हो रही तो 30%। तो इसके मान हम लोग फार्मूले में पुट कर देंगे तो -25 + 30 - 25 × 30 / 100, ये 0 से 0 कटा, तो ये हो जाएगा 5 - 75/10 इक्वल टू, इसमें एलसीएम 10 ले लेंगे तो 50 - 75/10, तो आंसर आएगा -25/10। तो 10 का हम लोग डिवाइड कर देंगे, सॉरी इसमें 0 हटाए, पॉइंट लगा दिया, तो -2.5% इस पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सही 2/5 + 1 सही 3/7 + 1 सही 6/35 का मान बताओ। तो सबसे पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये जो दिया है ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, तो ये 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 15 हो जाएगा, और +2 ऐड कर देंगे तो 17/5। इसी प्रकार इसमें यही करेंगे प्रोसेस, 17/5 + 10/7 + 41/35 इसकल टू, इसमें एलसीएम हो जाएगा 35, तो ऊपर आएगा 119 + 50 + 41, तो टोटल आएगा 210/35, 35 का डिवाइड करेंगे 210 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसे इसने 20% हानि पर 480 रुपये में बेच दिया, लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने मूल पर बेचना था। तो हम लोगों को पता है कि क्रय मूल्य को हम लोग हमेशा 100% मानते हैं, और उसमें अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है, प्रॉफिट जोड़ दें या लॉस घटा दें तो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें 20% की हानि हो रही, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480। तो आगे कह रहा है कि वस्तु को कितने मूल पर बेचना था, तो उसने 20% लाभ पर वह बेचना चाहता था, तो 100 में ऐड करेंगे 20 तो 120% हो जाएगा, तो 120% इक्वल टू x मान लेंगे, तो 120% की वैल्यू निकालनी है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 × 120/80, तो ये 0 से 0 कटा, 8 × 48, तो 60 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 720 रुपये।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।